दोस्तों हम लोग यहाँ पे रुके हैं, बहुत ही सुंदर वाला जगह में गाड़ी मेरा यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए खाना आ गया, ये देखिए आफ्टर वाइक है, ये मेरा है और यहाँ पे और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। सो दोस्तों सुबह सुबह आ गया मैं, क्योंकि मुझे जाना है आज लालपानी बालाट का सामने ही है दोस्तों, बालाट और लालपानी आसपास नहीं है। तो मैं सुबह सुबह आ गया, टाइम हो रहा है 6:30, मैं पहुंच गया GS रोड में। आफ्टर भाई आ रहा है MB फर्नीचर से सामान डालना है, वो बस पहुंचने वाले हैं। वो आने के बाद में सामान डालेंगे फिर निकाल जाएंगे दोस्तों। तो सुबह सुबह इसलिए आया हूँ क्योंकि आफ्टर भाई भी जाने साथ में जाएंगे, क्योंकि उनको फिटिंग करना है। एक 3 डोर वाला वार्डरोब टाइप का है, ग्लासेस वाला, बस ग्लास टाइप का है सामने में, थोड़ा ग्लास का डिज़ाइन है, वही लेके जाना है। और ग्लास का सामान है, थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए सुबह सुबह आ गया। और इनको फिटिंग करने में 2 घंटे का आसपास लग जाएगा। हाँ, 2 घंटा तो लगेगा ही, बोला है आफ्टर भाई ने, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जा रहे हैं हम लोग। तो आने के बाद में सामान डाल के मैं आपको दिखाता हूँ, और आते आते शायद शाम भी हो जाएगा या रात भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ का रास्ता तो आपको मालूम है कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अभी बारिश इतना गिरा है, इसके लिए रास्ता पूरा ख़राब हो गया। आप मुखरवाट का वीडियो देखे हैं तो आपको ज़रूर मालूम होगा, वही रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन मुखरवाट में राइट में घुस गया विलो से, लेकिन उसमें राइट में घुसना नहीं है मुझे, मुझे डायरेक्ट मोशन ड्राम होकर चले। दोस्तों उनको आने दीजिए, सामान डाल के मैं दिखाता हूँ आपको, और ठंड तो कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों। A few moments later. दोस्तों फाइनली सामान डालना हो गया, ये देखिए आफ्टर भाई यहाँ पे है, तो चलिए निकलते हैं। हो गया सब कुछ काम, 4 पैकेट है, तो चलिए दोस्तों निकलते हैं बालाट के लिए। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं मिल रहा है, बस थोड़ा पीछे मिल गया था क्योंकि एक लोडेड वाला ट्रक जा रहा था, तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक जब मिल गया था, धीरे धीरे आना पड़ा। अभी मैंने ट्रक को क्रॉस कर लिया है, अभी यहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली तरसाट पहुंच चुका हूँ, रुका हूँ मेरा होटल में। कैमरा तो नहीं मेरा, नहीं मतलब सही है, तो यहाँ पे कुछ खा लेता हूँ दोस्तों। और आफ्टर भाई गए बाथरूम में, तो निकलो ना, निकल रहे हैं, मतलब चाय पियेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि खाना तो हम लोग को आगे जाके खाना। तो अभी नहीं, अभी तो इतना थोड़ा थोड़ा भूख लगा है, तो अभी जस्ट चाय और कुछ ले लेंगे, अगर कुछ होगा केक वगैरह जो भी। तो देखते हैं दोस्तों अंदर जाके आफ्टर भाई को आने दीजिए, हुआ कि नहीं। मेरा चाय आ चुका है, मैंने लिया दूध चाय और आफ्टर भाई ने लिया लाल चाय। और ये देखिए, ये है पोथेरो, हम लोग मेघालय में पोथेरो बोलते हैं इसको, ये चावल से बना हुआ होता है दोस्तों, और इसमें कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ, आफ्टर भाई संदेश बोलता है, संदेश नहीं है ये, एक्चुअली हम लोग पीठा बोलते हैं, पीठा संदेश का पीठा ही है, संदेश नहीं है, चावल का पीठा है, वही बोल ना, मीठा है दोस्तों, ना नमकीन ना कुछ है। अरे नहीं, अरे खाना बहु बुआई। दोस्तों हम लोग का खाना हो गया कंप्लीट, झूठ बोल रहा है, मेरा मतलब है खाना नहीं, चाय पीना। तो चलिए चलते हैं, अफ्तर भाई कुछ बोलने चाहेंगे आप? हाय दोस्तों, हम लोग का थोड़ा भूख लग गया था, इसलिए बोला चाय पी लेता है, सुबह सुबह निकल गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है, दूर जा रहा है ना, नया फर्स्ट टाइम है अभी, इसलिए अच्छा लग रहा है, रास्ता भी थोड़ा खराब है लेकिन दूर जाना है तो अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम। लेकिन आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा गौरवदा को सब्सक्राइब करके थोड़ा आग बढ़ा दीजिए, आप लोग के लिए धन्यवाद। आगे तक चलेगा, हम लोग देखेगा क्या कितना तक जाएगा। हाँ, साथ चलते हैं। हाँ, चलिए एक साथ चलते हैं दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही ठंड है यहाँ पे भी, तो चलो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों डीजल डाल लेता हूँ, जाना है उधर से नहीं डालूंगा, यहाँ से तो मालूम ही है, मैं हमेशा यहाँ से डालता हूँ डीजल। भाजपा रुक,
डीजल डाल के निकलते हैं दोस्तों। One hour later. तो दोस्तों मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, देखिए गाड़ी वहाँ पे रखा हुआ है। तो आफ्टर बाइक को दो तीन फोटो क्लिक करना है इसलिए। तो देखिए आप जगह देखिए दोस्तों, वाओ देखिए ये है मेघालय दोस्तों। ये मौसम राम पहुँचने का पहले ही है ये वाला जगह जहाँ पे मैं रुका हुआ अभी फिलहाल। अफ्तर भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जगह कैसा है? बहुत बढ़िया जगह है। चलिए दोस्तों अफ्तर भाई का फोटो क्लिक करके निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग को पहुँचना भी है। दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने मौसम राम क्रॉस किया है, यहाँ से 40 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं दोस्तों, रास्ता तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है दोस्तों, इसलिए कुछ टाइम भी ज़्यादा ही लग रहा है। 3 घंटा होने वाला है अभी मौसम राम हो गया। 3 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया अभी मौसम राम पहुँचा, और 1 घंटा का ऊपर ही लग जाएगा उनका घर तक पहुँचने के लिए कस्टमर। दोस्तों हम लोग यहाँ पे रुके हैं, बहुत ही सुंदर वाला जगह में गाड़ी मेरा यहाँ पे रखा हुआ है देखिए। तो अफ्तर भाई ने क्या किया, मुझे बिना बोल के घर से रोटी और चिकन देखिए पैकिंग करके लेके आ गया। मैं सोच रहा था ये बड़ा वाला डिब्बा में क्या है हॉटकेस में, तो अभी देख रहा हूँ तो रोटी है और चिकन। तो चलिए दोस्तों, भूख भी बहुत ही लगा है पेट में, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, लग रहा है कि पेट का जो अंदर का सामान है सब हिल गया है भूख की वजह से। तो खाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहला बाइट लेने जा रहा हूँ, हम लोग का पिकनिक हो गया ये। खाना हो गया खत्म, अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी भी लगना शुरू हो गया, तो इसको इतना धूल है देखिए दोस्तों। चलो दोस्तों निकलते हैं डायरेक्ट, अभी रुकना है डायरेक्ट जाके उधर ही कस्टमर का घर में। तो चलो दोस्तों निकलते हैं। दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं और ज़्यादा नहीं, और 3 से 4 किलोमीटर बाकी है। अफ्तर भाई पूरा थक गए हैं दोस्तों, देखिए अफ्तर भाई क्या बोलते हैं आप पूरा सुनिए। रास्ता दोस्तों बहुत खराब है, बैठ बैठ के कमर में पूरा दर्द हो गया इतना दूर बप्पे, लेकिन जगह बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग बैठ रास्ता खराब की वजह से हम लोग बैठ बैठ के थक गए। दोस्तों सर मैंने क्या बोला, सच में रास्ता ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए टाइम भी लग गया करीब 5 घंटा। कोई बात नहीं, थोड़ा रास्ता के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा दोस्तों, इतना तो किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, 100 किलोमीटर ही, वही रास्ते के लिए चले चले दोस्तों। अभी डायरेक्ट कस्टमर का घर तक घर में जाके बात करते हैं। तो मैं पहुंच गया, देखिए गाड़ी वहाँ पे रखा हुआ है, और उनका घर ये जो ब्रिज है ये ब्रिज का उस पार में है, थोड़ा आगे में है, तो आदमी भेज रहे हैं, तो फटाफट सामान उतर के उनका घर में चलते हैं दोस्तों। तो चलिए वो लोग आने दीजिए दोस्तों, सामान उतरना हो गया कंप्लीट, वो लोग लेके चले गए, अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि अपना भाई को तो फिटिंग करना है ना। तो ये देखिए ये है एक ब्रिज, मैं दिखाता हूँ आपको, एक ब्रिज तो मैंने क्रॉस करके आया हूँ जस्ट अभी, और ये वाला ब्रिज देखिए आप।
वाला ब्रिज देखिए दोस्तों, ये बैम्बू से बनाया हुआ है और नीचे में ऐसा है। तो ये ब्रिज क्रॉस करके आगे में ये बोले कि उनका घर है, तो चलिए चलते डायरेक्ट उनका घर में दोस्तों। फिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वही बात है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है घर और मैं मशीनरी रेडी हूँ खाली टाइम देने के लिए। चलिए दोस्तों फटाफट काम खत्म कर लेते हैं। देखिए दिखा दूँ मैं आपको, खड़ा कर दीजिए इसको, मेरा मतलब है उसको बना के सीधा करेंगे ना, तो पहले सुला के फिटिंग करेंगे फिर बाद में। 5 hours later आपका सामने में ये सामान जो लेके आए थे हम लोग, लेकिन एक्चुअली कुछ ज़्यादा टाइम लग गया है। इसका जो फ्लोर है वो थोड़ा अप डाउन है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगे। जस्ट ये दरवाज़ा जो कि तो फाइनली ख़त्म हो गया, उन्होंने खाना भी बना लिया थोड़ा जल्दी में देखो, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। वो लोग लेके रहते हैं शिलांग में, तो यहाँ पर घर देखिए पूरा कोई भी नहीं है, सर खाली रहते हैं घर, अभी सब कुछ काम चल रहा है। कल ही आए हैं इसलिए मान लीजिए कि सब ऐसे ऐसे रखा हुआ है। जो जुदी हुआ है वही तो ना पा रहे हैं ना। A few inches later. खाना आ गया, ये देखिए आफ्टर वाइक है मेरा है और यहाँ पे है और रुकिए आ रहा है और सामान और आने वाला है। ये तो पापड़ आप देख ही चुके हैं, यहाँ पे ऑमलेट और फिश फ्राई और सब्जी, मतलब मेरा मतलब है क्या है, और ये पोटैटो फ्राई अंडा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सब लोग का खाना वाना सब कुछ हो गया ख़त्म, अभी निकलने का टाइम आ गया। टाइम हो रहा है 5 बजने वाला है दोस्तों, बज गया, 2 मिनट बाकी है। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, मैं गाड़ी में आके ही कर रहा हूँ दोस्तों डायरेक्ट। गाड़ी में आ गया फटाफट क्योंकि खाना खाने का साथ साथ रेस्ट वेस्ट नहीं, डायरेक्ट आ गया गाड़ी में मैं और आफ्ताब भाई। तो चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं डायरेक्ट, चलते हैं शिलांग में। अभी कितना बजेगा मुझे वो भी क्या करें, चलो निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में, जस्ट अभी अभी पहुंचा हूँ। टाइम हो रहा है 10 दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया आने में, लेकिन जाने में ज़्यादा टाइम लगा, आने में इतना टाइम नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि मैं निकला 5 बजे और 10 बजे पहुंच गया मैं घर के अंदर। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, बालाट लालपानी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।